Which of the following statements is correct? 60% मैन है, 40% वुमेन है ना, ठीक है। अब हम मान लेते हैं टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 100, ठीक है। टोटल कैंडिडेट 100, ठीक है। मैन कितने हो गए, 60, तो वुमेन 60% मैन 40% वुमेन का, 70% मैन एंड 75% वुमेन क्लियर द टेस्ट, टेस्ट क्लियर बाय मैन किन्ने ने किया, 70%, 70% की दे मैन दे, है ना। तो 70% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 42, है ना। टेस्ट क्लियर्ड बाय वुमेन कितना होएगा, 75% ऑफ 40 ये हो जाएगा 30, ठीक है। कट के देख लो 30 आएगा, ठीक। एंड एंटर्ड द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन एंड 70% वुमेन वर सक्सेसफुल, ठीक है। क्वालीफाइंग टेस्ट होया सीगा, ये क्वालीफाइंग दे विच 42 मैन क्वालीफाई कर गए ते 30 वुमेन क्वालीफाई कर गए, ठीक है। एंटर्ड द फाइनल टेस्ट वेयर 80% मैन, हूँ 80% का दा जेडे क्वालीफाई करके वही गए हैं ना अगे, ठीक है। नंबर ऑफ मैन हू पास्ड इन फाइनल टेस्ट की आएगा 80% ऑफ 42 एन, ठीक है। कितना आएगा, 33.6। ते नंबर ऑफ वुमेन एक ही नहीं है, इतने घट गया, 70% ऑफ 30 ये आ जाएगा 21। बस हो गया, सारा कट लिया जो करना। सक्सेस रेट इज हायर फॉर वुमेन, गलत है तो वुमेन तो कितनी है, ओवरऑल सक्सेस रेट इज बिलो 50%, ये सही है फॉल्स। कितना है सक्सेस रेट, 21 प्लस 33 कितना आएगा, 54, 50 तो नाल तो ज़्यादा ही है टोटल, ठीक है। मोर मैन क्लियर्ड एग्जामिनेशन देन वुमेन, ये सही है, 33.6 ग्रेटर देन 21, ठीक है।